कश्मीर के करना इलाके से ताल्लुक रखती हूँ। करना जो है, आपने सुना होगा, आपने कोई बुक पढ़ी होगी या फेमस बुक है, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, तो मैं डेफिनेटली उस इलाके से ताल्लुक रखती हूँ। बिल्कुल, वो जो इलाका है वो एकदम करना है, टीटवाल है, और ये पाकिस्तान है, यानी कि बड़ा ही नजदीक है। आजादी आप किसे कहते हो? आजादी वो होती है जहां पर हमें बोलने का हक हो, जहां पर हमें वोट देने का हक हो, जहां पर हमें हमारे हकूक के लिए बातचीत करने का हक हो, जहां पर हमें पहनने का, चलने का, अपने तरीके से रहने का हक हो। तो कश्मीर में ऐसा बिल्कुल है। हमें कभी ये नहीं कहा जाता कश्मीर में कि नहीं, आप तो मुसलमान हो, आपको तो सर पे दुपट्टा लगाना पड़ेगा और आपको तभी सर आप निकलोगे बाहर। ऐसा हमने हमने आज तक नहीं सुना कि मुझे किसी ने पर्सनली ये चीज कही हो, या फिर आपको हमें बोला जाता है कि नहीं, आप तो मुसलमान हो, आपको, आप तो घर की औरतें हो, आपको घर में ही रहना चाहिए, आपको क्या जरूरत है काम करने की। मैं जब 16 साल की थी तब मैंने अपनी फैमिली वालों को बोला कि मुझे, आपने सुना होगा बिट्टा कराठे, एक बड़े ही फेमस मिलिटेंट थे हमारे कश्मीर के, यासीन मलिक, एक बहुत ही अच्छे देशद्रोही थे, जिन्होंने अपने इंटरव्यूज में ये साफ साफ कहा है कि हमें पाकिस्तान बुलाया जाता था और हम भी जाते थे, आंखों पे पट्टियां बांध करके हमें ट्रेनिंग सेंटर्स में लिया जाता था और वहां पर हमें गोली चलानी सिखाई जाती थी, और उसके बाद हम वापस आके कश्मीर में लोगों को यह सिखाते थे कि नहीं, हमें तो ना पाकिस्तान के साथ जाना है ना हिंदुस्तान के साथ, हमें तो आजाद कश्मीर बनाना है। आपके पॉलिटिशियन बात करते हैं कश्मीर में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आपके पॉलिटिशियन से मैं पूछना चाहूंगी, आप लोगों से पाकिस्तान संभाला गया? आपके पास जो पाकिस्तान, आप उसे नहीं संभाल पा रहे हो तो आप कश्मीर की क्या बात कर रहे हो? तो ये जो प्रोपोगंडास हैं कश्मीर को लेकर के, कि कश्मीर एक मसला है, आज से नहीं है, बहुत पुराना मसला है, उस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि कश्मीर कोई भी मसला नहीं है, कश्मीर एकदम सेफ एंड सिक्योर है, एंड वी आर प्राउड कश्मीरी किसी इंडियन। कश्मीरी जर्नलिस्ट से बात होती है, किसी कश्मीरी यूथ से, इंडिया साइड कश्मीर से बात होती है, तो हम पूछते हैं क्या वहां जुल्म हो रहा है, क्या वहां पे आपको आपके राइट्स मिल रहे हैं। ये सब चीजें सुन सुन के लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं, क्योंकि अब दुनिया देख रही है, G20 की मीटिंग हो रही है, दुनिया देख रही है डेवलपमेंट, 1.8 मिलियन ऑलमोस्ट वहां पे टूरिस्ट आए, ये सब चीजें दुनिया देख रही है। मैं आपसे ये चीजें नहीं पूछूंगा, मैं ये पूछूंगा एज ए कश्मीरी, बॉर्डर साइड, बॉर्डर एरिया पे आप रहती हैं, पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है उसे लेके आपकी क्या सोच है? आज पाकिस्तानी कश्मीर की बात करेंगे, पाकिस्तान में जो इस टाइम वेब मौजूद है। बिल्कुल, आपने एकदम मतलब फैंटेस्टिक सा क्वेश्चन पूछा है। इससे पहले जो भी डिबेट्स हुए, पूछा जाता है कि हालात कैसे हैं, वाकात कैसे हैं, ठीक है, सेफ एंड सिक्योर है, कश्मीर की बेटी आज हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही है, तो ये बातें जो है बोल बोल के हम भी कहीं ना कहीं थक जाते हैं। तो आपने ये बात पूछी तो मैं आपको बता दूं कि मैं कश्मीर के करना इलाके से ताल्लुक रखती हूँ। करना जो है, आपने सुना होगा, आपने कोई बुक पढ़ी होगी या फेमस बुक है, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, तो मैं डेफिनेटली उस इलाके से ताल्लुक रखती हूँ। बिल्कुल, वो जो इलाका है वो एकदम करना है, टीटवाल है, और ये पाकिस्तान है, यानी कि बड़ा ही नजदीक है। बीच में एक दरिया बहता है जिसके पार हमें पाकिस्तान देखने को मिलता है और जिसके इस साइड हमें हिंदुस्तान देखने को मिलता है। तो मैंने जो अपना पूरा बचपन है वो वहीं पे गुजारा है, तो मैंने वो टाइम भी देखा है जब ऐसे कोई हालात ही नहीं थे, जब इजीली जो है क्रॉस करके दूसरे नेशन में जाया जाता था, या उस तरह से हमारे मुल्क में आए जाते थे। उसी वाले से मैं आपको बता दूं कि मेरे जो रिलेटिव्स हैं, कुछ मेरे मामा जान हैं बड़े, वो पाकिस्तान में हैं इस वक्त, मेरे जो पापा के बड़े भाई हैं वो भी इस वक्त जो है पाकिस्तान में है। मैं अपने कजन से तो बात करती रहती हूँ, तो ये मेरे लिए काफी बड़ी चीज नहीं है। आपने कहा कि कैसा लगता है, सी अगर मैं अपनी बात करूं या उनकी बात करूं, एकदम सेम है, वहां पर भी पहाड़ है, पौधे हैं, मकान है, सेम स्ट्रक्चर से बनाए गए हैं जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में बनाए जाते हैं, छतें लगती हैं वहां पर मकानों में, एज इक्वल बर्फ पड़ती है, तो मैं आपको बता दूं कि जब हम छोटे हुआ करते थे, जब हम उस पार जाते थे, तो हमें पहले ही फोन आता था कि आज उस साइड से आपके रिश्तेदार जो है मिलने के लिए आ रहे हैं। तो वहां पर जो है वो हमारे लिए पाकिस्तान में बहुत फेमस हुआ करती थी, जो स्वीट्स वगैरह, जो कपड़े पाकिस्तान के काफी फेमस है, वो हमारे लिए लाते थे। तो अब उनको दिया कैसे जाता था, तो मैं आपको बता दूं कि एक नदी जो है, नदी के आर पार जो है लोग खड़े होते थे और वहां से चीज फेंकी जाती थी नदी के इस पार, तो मैंने काफी इंजॉय किया क्योंकि हम भी यहाँ से काफी चीजें वहां पर फेंकते थे और वो लोग भी हमारे लिए बहुत सारा सामान लेके आते थे और दूर से एक दूसरे को हाय हेलो करते थे फोन पे, तो काफी अच्छा लगता था। तो मैं यही कहूंगी कि कश्मीर, पाकिस्तान, हिंदुस्तान कुछ भी नहीं है,
ह्यूमैनिटी और इंसानियत जहां पर है तो वो कंट्री बहुत आगे जा सकती है। भाईचारा होना बहुत जरूरी है। मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनसे जब पूछती हूँ कि किस तरीके से सूरत हाल है पाकिस्तान में, तो मुझे डिसअपॉइंटेड लगता है जब मैं उनसे ही बात पूछती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के सूरत हाल हमें काफी देखने को मिलते हैं कि किस तरीके से आज पाकिस्तान में क्या क्या चीज पे जो है रोक टोक ये वो एंड ऑल एटसेट्रा एटसेट्रा। और वो जब हमसे वो हिंदुस्तान के बारे में पूछते हैं तो हम बड़े ही प्राउड फील और फखर से कहते हैं कि नहीं, हमारे कश्मीर में तो ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। बाकी इंसान है यार, वहां पर भी इंसान रहते हैं, यहाँ पर भी इंसान रहते हैं, शक्लें भी सेम सेम है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि वो लोग आसमान से उतर के आए हैं और हम लोग क्या जमीन से पैदा हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सेम डिट्टो। और काफी अच्छा लगता है जब मैं उस साइड जाती हूँ कभी बॉर्डर इलाके में। ठीक है, लेकिन हम जो यहाँ पे सुनते हैं, मैंने कश्मीर का विजिट किया, शायद आपने कोई वीडियो देखी हो, वहां पे हमने ये देखा, जब मैंने पाकिस्तान साइड कश्मीर से लोगों से पूछा कि इंडिया साइड कश्मीर के लोग आपके ख्याल में किस कंडीशन में रहते होंगे, बिलीव मी मुझे यही आंसर मिला कि वहां पे महंगाई बहुत कम है, वहां पे शायद बिजली के ऊपर जो पर यूनिट है बहुत फैसिलिटेट किया जा रहा है, इसके अलावा गाड़ियों का कंपैरिजन किया, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को आया। ये सब चीजें जब हमने देखी तो फिर मैं एक दफा सोच में पड़ा कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया या हमारा सोशल मीडिया या हमारे पॉलिटिशियंस जो हमें बताते रहे कि इंडिया तो जुल्म कर रहा है, आज वो सब चीजें सामने खुल के आ रही हैं। एक चीज और बहुत, मतलब ये है कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी भी बात है, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग ये कहते हैं भाई वहां आप सोने के जो उनसे वो महल बना दो, दूध का दरिया निकाल दो, ये सब कुछ कर दो, लेकिन आपको आजादी नहीं तो आपने उन चीजों को क्या करना। तो आप क्या इस चीज का जवाब देंगी, आजादी किस तरह की आजादी की वो बात करते हैं आपके ख्याल से? ओके, तो शोहेब, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आजादी आप किसे कहते हो। आजादी वो होती है जहां पर हमें बोलने का हक हो, जहां पर हमें वोट देने का हक हो, जहां पर हमें हमारे हकूक के लिए बातचीत करने का हक हो, जहां पर हमें पहनने का, चलने का, अपने तरीके से रहने का हक हो। तो कश्मीर में ऐसा बिल्कुल है। हमें कभी ये नहीं कहा जाता कश्मीर में कि नहीं, आप तो मुसलमान हो, आपको तो सर पे दुपट्टा लगाना पड़ेगा और आपको तभी सर आप निकलोगे बाहर। ऐसा हमने हमने आज तक नहीं सुना कि मुझे किसी ने पर्सनली ये चीज कही हो। या फिर आपको हमें बोला जाता है कि नहीं, आप तो मुसलमान हो, आपको, आप तो घर की औरतें हो, आपको घर में ही रहना चाहिए, आपको क्या जरूरत है काम करने की। मैं जब 16 साल की थी तब मैंने अपनी फैमिली वालों को बोला कि मुझे जो है जर्नलिज्म में काफी इंटरेस्ट है, तो मेरे पापा ने बोला कि तू पढ़ाई कंप्लीट कर, तू उसके बाद जर्नलिज्म कर ले। तो मैंने बोला नहीं, तब तक मेरा पैशन खत्म हो जाएगा, मुझे अभी से काम स्टार्ट करना है। तो मैंने इन द एज ऑफ 16, मैंने 16 साल की उम्र में घर से दूर रह के काम शुरू किया है। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त भी घर से काफी दूर रह रही हूँ। क्यों? अपने काम को, अपने पैशन को फॉलो कर रही हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं रोका। क्या मैं उन लोगों से ये बात पूछना चाहूंगी जो वहां पर बैठ के ये सारी बातें करते हैं कि नहीं कश्मीर में आजादी नहीं है? क्या आप लोग मुझे ये बताओ कि आजादी आप किसको कहते हो? जब हमारे जैसे बच्चे रोड पे पत्थर निकले तो उसे आप आजादी कहते हो? क्या हमारे जैसे बच्चे जब आजादी चीखे या नारे लगाए तो रोड पे उन्हें गोली से मारा जाए, उसे आप आजादी कहते हो? आज एक माँ जो है, ईद थी रिसेंटली, हम लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीके से ईद सेलिब्रेट करी। आप मुझे बोलो शुभ, उन लोगों के घरों पे क्या हुआ होगा जिन्होंने ईद में अपने बच्चे खोए हैं, जिन औरतों ने अपने शोहर खोए हैं, जिन माओं ने अपने बेटे खोए हैं और जिन अपने बहनों ने भाई खोए हैं? क्या उस आजाद कश्मीर की, या उस कश्मीर की आप बात कर रहे हो? वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपोगंडा था इस चीज को लेकर के कि नहीं, हम तो मुसलमान हैं, हमें तो आजादी चाहिए। और ये किसका प्रोपोगंडा था? ये हुरियत हुरियत के उन लीडरान का था जो पाकिस्तान जाते थे अपनी चीजों को कायम करने के लिए। ये हुर्रियत खत्म हो चुकी है। अब कश्मीर बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है। पहले जो टूरिस्ट है वो कश्मीर में आने से डरते थे, ये कहते थे कि हमारे लिए कश्मीर सेफ तो है, हम कश्मीर में जा तो सकते हैं। आज वही टूरिज्म अगर आप देखेंगे तो आज बिलियन क्रॉस कर चुका है पिछले 3 साल में, जितना हमारे 75 ईयर्स में नहीं हुआ उतना 3 साल में जो है लोग वहां पर आए और कश्मीर को एंजॉय किया। मैं जब बाहर पढ़ने जाती थी तो मैं या दिल्ली जाती थी तो मुझे पूछते थे यार तुम लोग तो वो हो ना जो हाथों में पत्थर लेके चलते हो, तुम्हारे तो घरों में भी बंदूकें होंगी ना। तो मतलब वो चीज जब मैं सुनती थी तो मेरे दिल से एक चीज निकलती थी कि यार जो लोग इस चीज में, मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो चीज, जो लोग इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है उन्हें भी यहाँ
पर टारगेट किया जाता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो जब कश्मीरी सेलिब्रेशन करते हैं पाकिस्तानियों को लेकर के, तो वहां पर बड़े नारेबाजी की जाती है, लेकिन अगर कश्मीरी हिंदुस्तान को लेकर के सेलिब्रेशन करेंगे तो उनकी उंगली उठाई जाती है। क्या कश्मीरियों को हक नहीं है अपने देश में रह के अपने देश के सेलिब्रेशन को एंजॉय करने का? तो ये जो कंसेप्ट है, यानी कि मैं, आपने कहा कि पत्रकार, बिल्कुल पत्रकार दोनों तरफ से होते हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो बहुत उल्टा सीधा छापते हैं, आपके पाकिस्तान में भी ऐसे पत्रकार हैं जो विदाउट नॉलेज छापते हैं। तो मैं उन पत्रकार भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग पढ़ो लिखो, और लिख के उस पढ़ लिख के उस मुकाम तक पहुंचो कि आपकी बातें जो है वो पॉजिटिव लगे और सही लगे। फालतू में मत छापो ये सब, क्योंकि नहीं सुनने वाला कोई अब आपकी। आपके पॉलिटिशियन बात करते हैं कश्मीर में ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, आपके पॉलिटिशियन से मैं पूछना चाहूंगी आप लोगों से पाकिस्तान संभाला गया? आपके पास जो पाकिस्तान आप उसे नहीं संभाल पा रहे हो तो आप कश्मीर की क्या बात कर रहे हो? तो ये जो प्रोपोगंडास हैं कश्मीर को लेकर के कि कश्मीर एक मसला है, आज से नहीं है, बहुत पुराना मसला है, उस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि कश्मीर कोई भी मसला नहीं है, कश्मीर एकदम सेफ एंड सिक्योर है, एंड वी आर प्राउड कश्मीरी इंडियन। हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे पास सारी आजादी है, हमें वो आजादी नहीं चाहिए जो आज वहां पर है। शोएब, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, आजाद कश्मीर के बारे में तो आपने सुना होगा, क्या वहां पर आपने कोई औरत जर्नलिस्ट या सोशल एक्टिविस्ट देखी? मैंने ऑलमोस्ट वहां पे, मेरा विजिट रहा 15 दिनों का, तो 15 दिनों में मुझे औरत तो दूर, मतलब कुछ रोड पे, जैसे मैं पब्लिक ओपिनियन लेता हूँ, जर्नलिज्म का मेरा अपना एक स्टाइल है, बहुत से लोग ऐसे करते होंगे, कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से औरत दूर की बात, मैंने कोई मर्द भी नहीं देखा जो ओपनली माइक लेके और जेन्युइन रिकॉर्डिंग कर रहा हो, मतलब स्क्रिप्टेड, और ये चीजें एक अलहदा दूर की बात है, इनके ऊपर तो मैं आता नहीं हूँ, मैंने नहीं देखा। हाँ, जब मैं मुजफ्फराबाद प्रेस क्लब में गया और वहां के जर्नलिस्ट से जब मैंने बात की, तो जर्नलिस्ट ने जो बोला, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि हम यहां पे जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, हम यहाँ पे जो कश्मीर डे सेलिब्रेट करते हैं, हमें यहाँ पे जो नैरेटिव बेचा जाता है, जो बताया जाता है, वहां हमारे पास इंडिया साइड कश्मीर तो अभी बहुत दूर की बात है, हमारे यहाँ के कश्मीर के लोग जो ओपिनियन रखते हैं, मैंने वो चीजें जब ऑब्जर्व की तो मैं हैरान हुआ कि हमें 75 साल से जिस चीज के लिए हमें इंडिया के से लड़ाया गया, दुश्मनियां बढ़ाई गई, आज वही लोग क्या कह रहे हैं, वो मोस्टली यूथ की अगर मैं बात करूं, देखें मेरी ओपिनियन से कोई एग्री डिसएग्री कर सकता है, यूथ मोस्टली ये कहते थे कि भाई पाकिस्तान से हमें लेना देना नहीं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानियों से, लेकिन हम अपनी एक अलहदा रियासत, या इस तरीके से उनका एक कंसेप्ट था। तो ये चीजें मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी। अच्छा, मुझे अगर ये मैं सवाल करूं कि कुछ लोग, जैसे मैंने अभी बात की इंडिपेंडेंट कश्मीर या अपना खुद मुख्तार रियासत की बात करते हैं, क्या इंडिया साइड कश्मीर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान से लेना देना नहीं है, लेकिन साथ ही साथ इंडिया से भी लेना देना नहीं है? देखिए शोहेब, पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था, मैं इसका जवाब आपको 2 मिनट बाद देती हूँ। मैंने आपसे सवाल किया था कि आजाद कश्मीर में क्या कोई फीमेल जर्नलिस्ट है या सोशल एक्टिविस्ट है, तो आपने उसका जवाब दिया कि वहां पर तो मर्द भी नहीं है, औरतें तो चलिए ठीक है लेकिन मर्द भी नहीं है। तो मैं आपको एक चीज, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, मुझे तो मैं आपको चीज भी हो जी जी तो जहां तक हमारी रिसर्च के, उनके हक नहीं दिए जाते कश्मीर में, औरतों को उनके हकूक नहीं दिए जाते, तो मैं उनको कह दूं कि आजाद कश्मीर में एक भी औरत नहीं है जो सामने आके बोलेगी, लेकिन हमारे कश्मीर में 50, 100, 200 कितनी जर्नलिस्ट हैं, कितनी फीमेल जर्नलिस्ट हैं जो अपने देश के लिए बोलती हैं। उनमें से आप मुझे भी एक देख लो, आपने कश्मीरी लड़कियां देखी होंगी जो आपके साथ डिबेट में आके हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाती हैं, क्या हम लोगों को ये सारा स्क्रिप्टेड होता है या हम लोग को दिया जाता है? नहीं, हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो कश्मीर में इस वक्त फीमेल्स हैं जो ऑनफील्ड काम कर रही हैं, उनसे पूछिए ना आपके कितनी आजादी है। तो ये तमाचा लगता है उन लोगों के मुंह पे जो कहते हैं कि कश्मीर में लड़कियों को आजादी नहीं है। आप अपने पाकिस्तान में पहले आजादी दीजिए लड़कियों को बोलने की, आप पहले अपने पाकिस्तान में देखिए कि क्या सूरत हाल है औरतों का, निकलने से भी डरती है, कहीं हम निकले ना तो हमें कोई देख ना ले। रेप केसेस देखिए आप कितने बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, क्या उन चीजों पर आप नजर डालते हैं? नहीं, इंडिया के कश्मीर को टारगेट करना है। आप कोई चैनल खोलो पाकिस्तान का, आज हिंदुस्तान के कश्मीर में ये हुआ, आज हिंदुस्तान के कश्मीर में वो हुआ। अरे भाइयों, अपने देश को संभालो, अपने देश की इकोनॉमी को स्ट्रांग करो, डेवलपमेंट लेके आओ, आप क्यों कश्मीर के पीछे पड़े हो? कश्मीर नहीं है आपका, ये कंसेप्ट जो है ये आपको समझ जाना चाहिए। शोएब, आपका सवाल क्या था?
मैं आपको इसी बात को क्लियर करता चलूं, मैंने तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ही आपको ये चीज बताई थी कि हमेशा ये सवाल किया जाता है वहां कश्मीर, इंडिया के कश्मीर में क्या हो रहा है, लेकिन आज हम ये बात करेंगे पाकिस्तान के कश्मीर में क्या हो रहा है। मैं अपनी बात करता हूँ, बाकी जो जर्नलिस्ट हैं मैं उन्हें उनका अपना एक माइंड सेट है या उनका अपना एक तरीकाकार है। मैंने ये सवाल किया था कि जैसे पाकिस्तान में कश्मीर की अगर बात करें, पाकिस्तान साइड कश्मीर की, तो वहां पर बहुत से लोग ये नारा लगाते नजर आते हैं कि भाई हमने एक खुद मुख्तार आजाद रियासत बनानी है कश्मीर की, ना तो हमने पाकिस्तान की तरफ जाना है ना इंडिया की तरफ जाना है। क्या इंडिया साइड कश्मीर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते होंगे भाई पाकिस्तान से तो कोई कंसर्न नहीं है हमें, लेकिन इंडिया से भी हमें कंसर्न नहीं, हम अपना आजाद कश्मीर बनाना चाहते हैं, कलैदा रियासत बनाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं शोहेब, ये जो आपने सवाल पूछा है बड़ा ही लाजमी है। ये जो कंसेप्ट था ना कि कश्मीर को ना हिंदुस्तान के साथ रहना है ना पाकिस्तान के साथ रहना है, कश्मीर को एक आजाद कश्मीर बनाना है, तो वो जो कंसेप्ट था वो आर्टिकल 370 से पहले था, जब ब्रेन वॉश किया जाता था, क्योंकि आपने सुना होगा बिट्टा कराठे एक बड़े ही फेमस मिलिटेंट थे हमारे कश्मीर के, यासीन मलिक एक बहुत ही अच्छे देशद्रोही थे, जिन्होंने अपने इंटरव्यूज में ये साफ साफ कहा है कि हमें पाकिस्तान बुलाया जाता था और हम भी जाते थे, आंखों पे पट्टियां बांध करके हमें ट्रेनिंग सेंटर्स में लिया जाता था और वहां पर हमें गोली चलानी सिखाई जाती थी, और उसके बाद हम वापस आके कश्मीर में लोगों को ये सिखाते थे कि नहीं हमें तो ना पाकिस्तान के साथ जाना है ना हिंदुस्तान के साथ, हमें तो आजाद कश्मीर बनाना है। तो ये वही लोग हैं, हुर्रियत जिसको मैं बार बार मेंशन करती हूँ, ये हुर्रियत का जो कंसेप्ट है ये टोटली खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, एनसी के लीडरान की मैं बात करूंगी या फिर पीडीपी के लीडरान की बात करूंगी, मैंने अपने जर्नलिज्म के करियर में देखा है जब हम कश्मीर में किसी के खिलाफ बोलते हैं तो हमें बड़ी धमकियां आती हैं। मैंने भाजपा के खिलाफ बोला, मैं तो एकदम न्यूट्रल चलती हूँ, जब मैंने पीडीपी के खिलाफ बोला, जब मैंने एनसी के खिलाफ बोला, क्योंकि जो चीज जो लोग चोर हैं उनको हम चोर नहीं कहेंगे तो बादशाह तो कह नहीं सकते, तो तब मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला गया कि नहीं आप इस वीडियो को डाउन करो। तो आप देख सकते हैं कि जो डर है वो कितना है कश्मीर में। फिर भी आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर में ये कंसेप्ट ही खत्म हो चुका है कि हमें आजाद रहना है या हमें पाकिस्तान के साथ जाना है या हमें हिंदुस्तान के साथ जाना है। लेकिन इससे पहले जब हुर्रियत का सिस्टम था, अब जो वो हुर्रियत का सिस्टम है वो पूरे तरीके से खत्म हो गया है। अब ना ही लोगों के माइंड वॉश होते हैं, ना ही हमारे बच्चे रोड पे पत्थर लेके निकलते हैं, और ना ही आज कश्मीर को किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाता है। जैसे पहले कुछ नारे लगते थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इवन आपने देखा होगा कि जो दीवार खाली होती थी वहां पर भी बड़े बड़े ब्लैक चौक से लिख दिया जाता था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, नाराबाजी होती थी, पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। लेकिन आज के जमाने में, यानी कि 3 साल से 4 साल में, ये कंसेप्ट पूरे तरीके से खत्म हो गया है। आज लोगों को पता चल गया है कि हम जिस देश के साथ हैं हम खुश हैं, हम शांति और अमन से रह रहे हैं। तो ये काफी अच्छा जो स्टेप है हमारी गवर्नमेंट और हमारे लोगों ने मिलकर लिया है, जो इससे पहले जो कंसेप्ट को चलाया जाता था कि नहीं कश्मीर में तो वो सब नहीं है, कश्मीर में तो ये सब नहीं है जो इंडिया को मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आज कश्मीर की बेटियां इंटरनेशनली हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वो तो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि भेसे के लिए आप कहाँ से हो, तो वो बड़े प्राउड फील से कहते हैं कि हम तो कश्मीर से हैं। सादिया तारिक, जिन्होंने टाइकंडो में रिसेंटली बॉक्सिंग में जिन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनली मेडल लाया, तो आपने तो सुना होगा उस बारे में, इस बच्ची ने क्या कहा कि मैं तो प्राउड कश्मीरी हूँ, मैं तो प्राउड कश्मीरी इंडियन हूँ। तो वहां पर तो कश्मीर का नाम आगे आता है ना। आज हमारे बच्चे स्टेट्स बाकी स्टेट्स में पढ़ने के लिए जाते हैं, जब पहले हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे तो उन्हें पूछा जाता था कश्मीर से हो, अरे तुम लोग तो दहशतगर्द हो ना, तुम लोग तो आतंकवादी हो ना, तुम लोगों के घरों में बंदूकें हैं ना। तो आज कश्मीरियों से ये सारे सवाल क्यों नहीं पूछे जाते, क्योंकि आज वो हुर्रियत जो पहले चल रही थी उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है। आज कश्मीरी सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर पे फोकस कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहा है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है और मुझे अपना या अपनी फैमिली या अपने कश्मीर का नाम कैसे रोशन करना है। ठीक है, बड़ी जबरदस्त बात की है। और अरफाना जी, मुझे मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आज से 10 साल बाद इंडिया साइड कश्मीर का क्या फ्यूचर देख रही हैं और पाकिस्तान साइड में जो कश्मीर है उसका क्या फ्यूचर देख रही हैं, तो क्या जवाब देंगी आप? आपने कहा कि 10 सालों में आप कश्मीर को कहां पर देखते हो? देखो जिस तरीके से आज डेवलपमेंट हो रही है, शोएब आपने देखा होगा कि रिसेंटली कश्मीर का ही अकेले का बजट कितना आया, बिलियंस में आया। क्यों? वो पॉलिटिशियंस के लिए तो आया नहीं, वहां पर तो कोई सरकार नहीं है, वो किसके लिए आया? वो कश्मीर में कश्मीर की डेवलपमेंट को लेकर के आया। रिसेंटली कश्मीर में G20 की मीटिंग्स हुई,
कितने बाहर जो है देश से लोग यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर मीटिंग की। आपने देखा कि पॉलोव्यू मार्केट को टोटली चेंज करके एक नया मार्केट वहां पर बना दिया है। डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है। वही मैं आपको बोलूंगी, अभी मैं फिर से रिपीट करूंगी, कश्मीर के बच्चे आज खुद को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे पहले होता था नहीं। कश्मीर में आज यूथ ये नहीं कह रहा कि हम पत्थर लेके रोड पे निकलेंगे और कहेंगे आजादी के नारे लगाएंगे। आज कश्मीर का जो बेटा या बेटी है वो पेन लेके अपने स्कूल्स में जा रहे हैं। चलिए मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं। आपको पता है जब हुर्रियत का जमाना था, जब हुर्रियत कोई हड़ताल निकालती थी या प्रोटेस्ट निकालती थी तो उस टाइम स्कूलों को बंद कर दिया जाता था और हुर्रियत का जो कैलेंडर है वो पूरे कश्मीर में चलता था। हिंदुस्तान में यानी कि इंडिया में छुट्टियां चल रही हैं या छुट्टियां नहीं है तो कश्मीर में जिस दिन बोलोगे आप कर्फ्यू लगेगा उस दिन स्कूल बंद। कश्मीर में नेटवर्क चला जाता था, कश्मीर में 6 महीने के लिए 8 महीने के लिए नेटवर्क गया। एक बार तो जब आर्टिकल 370 रिमूव हुआ तो काफी बुरे हालात थे। कश्मीर में अगर इनकाउंटर होता है तो स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, प्रोटेस्ट होता था तो स्कूल बंद कर दिए जाते थे। तो आज ये जो सूरत हाल है ये पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। अगर इस वक्त की मैं बात करूं तो आज हमारा फ्यूचर इतना सेफ एंड सिक्योर है तो अगले 10 सालों में तो हम लोग पता नहीं माशाल्लाह कहाँ कहाँ पर होंगे। अगले 10 सालों में मैं जरूर आपसे मिलके आपसे बातचीत करूंगी और बताऊंगी कि क्या सूरत हाल है कश्मीर का। अगर ऐसे ही चलता रहा और ऐसे ही कश्मीर को इंटरनेशनली प्रमोट करते रहे करते रहे करते रहे तो एक दिन कश्मीर काफी काफी बड़ा नाम बन जाएगा। कहते हैं ना कि पैराडाइज ऑन अर्थ अगर कहीं पर है तो वो कश्मीर है। तो आप कभी कश्मीर आओ, आपको दिख जाएगा कि पैराडाइज और अर्थ अगर कुछ है तो वो कश्मीर है। वो जो गार्डन्स, जो महल जो मुगलों ने बनाए थे, तो क्या वो मुगल साथ लेके गए हैं? नहीं, उनकी वजह से आज हमारे कश्मीरियों का रोजगार चल रहा है। आपने देखा कि कोई आईएएस ऑफिसर या फिर कोई केएस ऑफिसर बाहर से आके कश्मीर में जॉब कराओ? आज कश्मीर की ही बेटियां जो केएस और आईएएस क्रॉस कर रही हैं, रिसेंटली एक घर में दो बहनों और एक भाइयों ने आईएएस क्लियर किया। जी ये भी तो एक बहुत प्राउड फील वाली बात है हमारे लिए। हमारे ही कश्मीर के ऑफिसर्स हमें ही मिल रहे हैं तो इससे ज्यादा तरक्की और क्या होगी। चले जी, मैं तो चाहूंगा, मैं एज ए पाकिस्तानी या एज ए ह्यूमन बीइंग मैं ये चाहूंगा, कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, चाहे वो, खास तौर पे मैं अपने पाकिस्तान की बात करूंगा, पहले तो हमें राइट मिलने चाहिए। हमारा, मैं ये समझता हूँ कि हमारा राइट नहीं बनता कि किसी दूसरे कंट्री के बारे में सवाल किए जाए, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे डिबेट होती है, थोड़े बहुत सवाल हम करते हैं ताकि पब्लिक की ओपिनियन आगे लाई जा सके, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर की जा सके, जो सच है वो सुनाया जा सके, वो दिखाया जा सके। उरफाना जी, मुझे ये बताइएगा कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, बिल पार्लियामेंट में, इंडिया की पार्लियामेंट में पहुंच चुका है, कुछ मुस्लिम उसके ऊपर एतराज करते नजर आ रहे हैं, क्या कश्मीर के मुस्लिम्स को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई इशू है, वन नेशन वन लॉ को लेकर? शोहेब, मैं आपको पहले एक बात बोलूंगी कि जब रिसेंटली पार्लियामेंट की इनोग्रेशन हुई ना, तो अभी तो हमारे प्रधानमंत्री तो हिंदू हैं, अब उन्हें तो अपने तरीके से पार्लियामेंट की इनोग्रेशन करनी चाहिए थी। लेकिन आपको पता है जब इनोग्रेशन हुई तो वहां पर क्या हुआ? वहां पर पहले नमाज पढ़ाई गई, उसके बाद जो है पूजा की गई। तो ये चीज आपको इस कंसेप्ट को जो है अपने कहीं ना कहीं जो है ये फायदेमंद बात है कि जब पार्लियामेंट नया खुला तब वहां पर पहले नमाज पढ़ाई गई और उसके बाद जो है पूजा की गई। स्टेटमेंट में प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि मेरे लिए देशवासी है, मेरे लिए मेरे जो देश में लोग रहते हैं वो मेरे देशवासी हैं। वो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना क्रिश्चियन है, ना ईसाई है, वो सब हिंदुस्तानी है। तो हम कश्मीरियों को या हम मुस्लिम्स को इस चीज से क्यों कोई जो है प्रॉब्लम होगी? ना ही मैंने कोई ऐसे स्टेटमेंट्स देखी। लेकिन मैं आपको इतना बताऊंगी कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो लोग तो प्रोपोगंडा खड़ा करते हैं चाहे किसी भी चीज को लेकर के हो, तो वो उनकी जो स्टेटमेंट्स है वो वही स्टेटमेंट्स रहती हैं जो बहुत पहले से वो लोग चला के आ रहे थे। तो मैं पॉलिटिशियंस को यहाँ से हटा दूंगी, मैं आम नागरिकों की बात करूंगी, क्योंकि देश को चलाने वाला कोई प्रधानमंत्री या कोई सीएम कुछ नहीं होता। देश को चलाने वाले आम व्यक्ति होते हैं। अगर हम लोग आप लोग के साथ हैं तो आप लोग देश को संभाल पाओगे, इतना ही कहूंगी। तो ये जो कंसेप्ट है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट में यूनिफॉर्म वाला सीन आया, तो आम लोगों में बात करें तो हम मुसलमानों ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया।
हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब वहां पर नमाज पढ़ाई गई तो तब उन लोग के मुंह क्यों बंद हो गए? जो लोग आज ट्वीट्स कर रहे हैं कि नहीं, जो यूनिफॉर्म वाला कंसेप्ट है या जो भी है, हम उससे बायकॉट करते हैं, तो जब वहां पर नमाज पढ़ाई गई तो तब आपके ट्वीट्स कहाँ थे? तब आप लोगों ने क्यों कुछ रिप्लाई नहीं किया? जब हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमें एकता की नजर से देखते हैं तो हमें क्या ही हो जाएगा? तो हम लोग क्यों ना अपने देश को आगे ले जाने में अपने प्राइम मिनिस्टर जी का साथ दें? तो मुझे तो पर्सनली इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारा देश चल रहा है वैसे चलने दो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन बहुत तरक्की करेगा हिंदुस्तान। और पाकिस्तान, जो सूरत हाल है पाकिस्तान का, मैं सोचूंगी कि, मैंने रिसेंटली सुना कि पाकिस्तान में आटा 1 किलो जो 20 रुपए में वो चीज मिलती है। रिसेंटली सुना कि चावलों की कीमत जो है वो भी 100-150 से ऊपर है। हमारे यहाँ 15 रुपए चावल किलो मिलते हैं। तो आप देखो कि हम में और पाकिस्तानियों में कितना अंतर है। जो चीज हमें फ्री में मिलती है वही उन्हें 10 गुना मेहनत करके कमानी पड़ती है। जहां पर आप लोगों की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी 20 से 30 हजार रुपए है, वहीं पर जो हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है हमारी सैलरी 50-70-1 लाख के क्रॉस जाती है। तो इतनी सारी डेवलपमेंट होने के बावजूद भी जो पाकिस्तान के दिमाग में थोड़े से कंसेप्ट है वो खत्म हो जाए। वन मोर थिंग कहूंगी कि पाकिस्तान हिंदुस्तान कोई वो नहीं है, भाई भाई है। बस प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब बड़ा भाई तरक्की करता है तो कहीं ना कहीं छोटे भाई को जो है प्रॉब्लम होती है कि हम भी जल्दी उनके ऊपर या फिर सफलता को टच करेंगे। तो मैं भी यही विशेष करती हूँ, मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ रहेगी कि जल्द से जल्द जो है पाकिस्तान भी एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे, इंटरनेशनली अपने जो रिलेशंस है वो ठीक करे। इंटरनेशनली रिलेशंस जब तक वो ठीक नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं आएगी। रिसेंटली आपने सुना होगा FATF का फिर से